सोशल राइटिंग, चलिए पहले उसको पढ़ा दें, सामाजिक अंकेक्षण ऑडिटिंग, इसको सामाजिक लेखा परीक्षा भी कहा जाता है, पूछा भी है क्वेश्चन सामाजिक लेखा परीक्षा, नहीं पूछा है तो रोज तो पेपर निकलता ही है, मनरेगा में नहीं लागू है सोशल राइटिंग। तो सोशल राइटिंग का क्या अर्थ है, इसकी क्या विशेषता है और फिर इसका एक विश्लेषण। अब इसमें मान लीजिए महत्व भी पूछे, चाहे सोशल राइटिंग की आवश्यकता पूछे, आवश्यकता क्यों और फिर इसकी समस्या। देखिए जन साधारण द्वारा, आम जनता द्वारा जो है प्रशासनिक जो कार्य है, उस प्रशासनिक कार्य का जो मूल्यांकन किया जाता है, जो समीक्षा किया जाता है, उस व्यवस्था को सोशल राइटिंग कहा जाता है। और जानते हैं कि सोशल राइटिंग का जन्म अमेरिका में हुआ, जैसे PIL का जन्म अमेरिका में हुआ, बहुत सारी चीज़ों का विश्व में जो राजनीतिक व्यवस्था है, लगभग 50% राजनीतिक व्यवस्था का जन्मदाता अमेरिका ही है। मात्र 13 पेज का संविधान है, 13 साल में संविधान बना था, 13 पेज का ही तो संविधान अमेरिका का है, 13 पेज का संविधान 13 साल में बनाया गया। तो बताइए 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, फिलाडेल्फिया सम्मेलन शुरू हुआ, 1787 में अमेरिका का संविधान जो है वह एडाप्ट हुआ, एडाप्टेड, और 1789 में इन्फोर्स हुआ। तो देख रहे हैं 13 साल सब लगा दिए, 13 साल में 13 पेज लिखे, लेकिन 13 साल में उन सबों ने जो है पूरा रिसर्च कर डाला। भाई बताइए प्रस्तावना का जन्मदाता कौन, अध्यक्षीय प्रणाली के जन्मदाता कौन, संघीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सबसे पहले लागू कौन किया अमेरिका, चेक एंड बैलेंस सिद्धांत, मान लीजिए सबों करिए, लिखित संविधान देख रहे हैं, मूल अधिकार। तो आप सोच लीजिए कि मतलब कि उस लोगों ने कितना रिसर्च किया, हम लोग जहां जो मिला चुपचाप उठा उठा के रख के सेट कर दिए। तो आप देख रहे हैं कि सामाजिक अंकेक्षण का मतलब है कि जो जन साधारण है सरकारी कार्यों का मूल्यांकन करता है, समीक्षा करता है, मतलब एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिससे सरकारी कार्यों की जांच की जाती है। सरकारी कार्यों की जांच सार्वजनिक रूप से की जाती है, सार्वजनिक कार्य की जांच सार्वजनिक रूप से किया जाना, सरकारी कार्य को जन साधारण से साझा किया जाना, यही तो मतलब हुआ कि भाई आइए देखिए रखा हुआ है, जिसको पलट के देखना हो देख लीजिए। तो इससे सामाजिक उत्तरदायित्व को लागू करने के लिए यह व्यवस्था शुरू किया गया। अब जानते हैं कि जैसे मैं बताया कि अमेरिका में यही हुआ, अमेरिका में बार बार आंदोलन होता था, तो अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा अफर्मेटिव एक्शन, तो मैं बताऊंगा कि अमेरिका में आंदोलन होता था कि भाई जो भी सरकारी कार्य है आम जनता से ना छुपाया जाए। तो अमेरिका में RTI मूल अधिकार के रूप में है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ तो कानूनी अधिकार है, उसको भी कमजोर कर दिया गया, उसको भी कानून बनाकर कमजोर कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि वहां पर फंडामेंटल राइट के रूप में है। तो अमेरिका में जो RTI है, नागरिक अधिकार पत्र है, जैसे भारत में मान लीजिए राजस्थान में पीला पट है, पीला पट होता है ना जो दुकान होते हैं वहां पर, ये जैसे मान लीजिए वेबसाइट पर सूचना देना हुआ, या मान लीजिए सबों करिए कि मीडिया के द्वारा बताया जाना, ये सब सोशल राइटिंग का माध्यम है। चैलेंज प्लेयर लिखिए जन साधारण के द्वारा प्रशासनिक कार्यों का मूल्यांकन, जन साधारण के द्वारा प्रशासनिक कार्यों का मूल्यांकन एवं प्रशासनिक कार्यों का मूल्यांकन एवं समीक्षा की व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यों का मूल्यांकन एवं समीक्षा की व्यवस्था सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है। समीक्षा की व्यवस्था सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत सरकारी कार्यों की जांच
जिसके तहत सरकारी कार्यों की जांच सार्वजनिक रूप से किया जाता है, जनसाधारण से साझा किया जाता है। इसमें मितव्ययता, कार्यकुशलता, प्रभावशीलता जैसे पहलुओं को देखा जाता है। इसके लिए RTI, नागरिक अधिकार पत्र, सूचना पट, वही जो पीला बोर्ड है राजस्थान का, सूचना पट, नागरिक अधिकार पत्र, सूचना पट, वेबसाइट, मीडिया के द्वारा प्रसारण, वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध कराया जाता है, मीडिया द्वारा प्रसारण आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसा समझिए इसका विशेषता, सामाजिक अंकेक्षण में विशेषता ये बताइए। पहला चीज तो एक की लोकतांत्रिक पद्धति है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी संगठन या व्यवस्था का सामाजिक संदर्भ में विश्लेषण करना। भाई हमें कहते हैं जैसे लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र, ये सब लोकतंत्र का प्रकार है ना, तो उसी प्रकार से हमें कहते हैं कि यह भी लोकतांत्रिक पद्धति है कि भाई हमारे लिए काम किया जा रहा है तो हम भी तो जांच करके देख लें कि हमारे संदर्भ में ये काम सही है या गलत है। नंबर एक, यह लोकतांत्रिक पद्धति है। जो किसी संगठन आबलिक व्यवस्था का सामाजिक संदर्भ में विश्लेषण करता है, सामाजिक संदर्भ में विश्लेषण करता है। दूसरा बात देखिए, जैसे अभी मैं बता रहा था कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इस प्रक्रिया के माध्यम से ये देखने का प्रयास करते हैं कि शासकीय तंत्र का जो निर्णय है, शासकीय तंत्र का जो नीति बनाया गया है, या मान लीजिए जो नीति का क्रियान्वयन हो रहा है, उसमें आम जनता की सहभागिता बढ़ सके। भाई हमें कहते हैं कि आम जनता इसकी जांच करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, सहभागिता बढ़ाना। यह सोशल ऑडिटिंग भी एक प्रकार से क्या हुआ, सहभागिता बढ़ाने की व्यवस्था है। नंबर तीन, इस प्रक्रिया के माध्यम से शासकीय तंत्र के निर्णय नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन में आम जनता की सहभागिता को बढ़ावा देना। अब यह देखिए, जैसे अभी मैं बताया कि भाई जो सोशल ऑडिटिंग है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज के अंतर संबंधों का अध्ययन का मतलब कि जैसे कोई नीति लागू की गई
तो विकास के लिए लागू किया गया ना, तो समाज का कितना विकास हुआ, लोगों का कितना विकास हुआ, उन चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊं, मनरेगा में कोई काम होता है तब गौर करिएगा, मनरेगा की जब मीटिंग होती है तो अधिकारी सबसे पहला चीज यही बोलता है कि मनरेगा में कोई सामान मंगाना होगा आपको तो आप बाहर से नहीं मंगाएंगे, आप स्थानीय स्तर पर मंगाएंगे। जैसे मान लीजिए सीमेंट मंगाना है, ईंट मंगाना है, तो उसमें कहा जाता है कि 10 किलोमीटर के भीतर जो भट्ठे हैं वहीं से आप ईंट मंगाइएगा। क्यों? कि मनरेगा का उद्देश्य केवल एक ये नहीं है ना कि सबको 200 रुपया 400 रुपया रोज मिल जाए, उसका उद्देश्य ये भी है कि आसपास का जो व्यवस्था है वो रेगुलेट कर होता रहे। तो समाज का जो अंतर संबंध है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बताता हूँ, मनरेगा में जैसे 40% जैसे सड़क बनता है, ग्रामीण सड़क का बताता हूँ, जो ग्रामीण सड़क बनता है उसमें 40% मटेरियल और 60% लेबर चार्ज होता है। मतलब 100 रुपये में 60 रुपया लेबर को देना पड़ेगा, 40 रुपये सामान मंगाना पड़ेगा। तो कोई अधिकारी जब जांच करने जाता है तो ठेकेदार को तो ज़्यादा पता रहता नहीं, वो तो मस्ती के साथ काम करता है, वो बोलता है लाना तो बैलेंस शीट बनाए हो ना, लाओ देखिएगा, तुरंत देखिए कैलकुलेटर निकालेगा, जोड़ेगा घटाएगा, बोले रख लो, वो समझ जाता है कि कहाँ फॉल्ट हो गया। अब ठेकेदार जाए जितना पूछता है, साहब क्या हुआ, 40 तुमने मजदूरी 50% दिया है और सामान 50% का मंगाया है, तो पहले तो जो नियम था उसी का गड़बड़ी हो गया। अभी बताइए जब उसमें 60% मजदूरी की बात है, 40% का सामान मंगाना है, तो आपको उसका फॉलो करना चाहिए था ना। तो ये क्यों नियम ऐसा बनाया गया है, ये है सोशल आइटिंग ही, कि वहां का समाज का जो अंतर संबद्धता है वो बना रहे। अगला पॉइंट, एक फोटो लिख दीजिए, सामाजिक अंकेक्षण एक समझाता हूं अपने मन से, लिखिए पहले समझिए। देखिए एक तो समाज के संबंधों को बनाए रखने कोई देखता है कि समाज का संबंध कितना बना हुआ है, और अभी मैं बता रहा था कि जैसे सोशल आइटिंग हम लोग करते हैं एक प्रकार से स्थानीय विकास का अंकेक्षण है, स्थानीय विकास की जांच करना है। इसका मतलब कि सामाजिक अंकेक्षण में स्थानीय विकास को मुद्दा बनाया जाता है कि स्थानीय विकास जैसे मनरेगा है, चाहे मान लीजिए सबों के लिए ग्रामीण सड़क बन रहा है, तो उसमें यह देखा जाता है कि स्थानीय संदर्भ का प्रयोग कितना किया गया है, जो स्थानीयता है उस चीज की जांच किया जाता है। और जानते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण कोई दंडात्मक नहीं है, जैसे मान लीजिए आपने जांच किया मनरेगा का और आपने लिख पढ़ के दे दिया कि यहाँ घोटाला हुआ यहाँ हुआ, कुछ बनना बिगड़ना नहीं है सामान्य रूप से। जब तक अधिकारी नहीं लिखेगा तब तक कोई दंड मिलना है नहीं, आपके कहने सुनने से कुछ नहीं हो सकता है, केवल एक फॉर्मेलिटी है भारत में। तो ये सामाजिक अंकेक्षण कोई दंडात्मक तो है नहीं, सुझावात्मक होता है, जिससे हम लोग भविष्य में कोई योजना लागू करें तो उसमें उन सब पहलुओं का हम लोग ध्यान रखें। एक पॉइंट लिखिए, ताया कि शासकीय तंत्र जो है या नीति निर्माण में जन सहभागिता, नीति निर्माण में जन सहभागिता, ज्यादा बड़ा लिख दिए है ना, एक लाइन लिख देना चाहिए था, तो बस आपसी संबंधों को बढ़ाता है, अंतर संबद्धता की जांच होती है, ऐसे लिखते कि अंतर संबद्धता की जांच करना, ये विशेषता हुआ। तब ये बताइए, मैं समझाऊंगा तो चार बात तो बोलूंगा ना, आप चार बात क्यों लिखेंगे, कोई बात नहीं जो लिखे ठीक है। अब देखिए क्योंकि 150 शब्द में आता है इसका जरा सा महत्व, चलिए सामाजिक अंकेक्षण का महत्व एक और लिखवाए तो लिखिए। अगला लिखिए, सामाजिक अंकेक्षण दंडात्मक नहीं है, सामाजिक अंकेक्षण दंडात्मक नहीं है बल्कि इसके परिणाम के पश्चात परंपरागत अंकेक्षण भी होता है, इसके परिणाम के पश्चात प्रचलित या परंपरागत अंकेक्षण भी होता है, ऑडिट नहीं होता है, उसी को प्रचलित अंकेक्षण में लिखवाया हूँ, परंपरागत अंकेक्षण भी होता है। एक पॉइंट और लिखिए, स्थानीय विकास को अंकेक्षण का मुद्दा बनाना, स्थानीय विकास को अंकेक्षण का मुद्दा बनाना, उपादेयता तथा प्रभाव का विश्लेषण करना,
उपादेयता उपयोगिता उपयोगिता एवं प्रभाव का विश्लेषण करना, ऐसे छोटा छोटा पॉइंट लिखा जाता है। बताता हूँ मैं विशेषता क्यों लिखवाता हूँ। मैं विशेषता इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि कभी मैंने परिभाषा लिखवाया तो कभी कभी क्या होता है कि जब मैं परिभाषा लिखवाता हूँ तो उसमें उतनी स्पष्टता नहीं आ पाती है, तो मैं 3-4 विशेषता लिखवाता हूँ। तो कभी आप एग्जाम में भूल जाइए तो आपको अलग से विशेषता नहीं लिखना है, आप विशेषता और जो परिभाषा हम भूमिका लिखवाते हैं उसको मिलाकर आपको 4 लाइन लिखना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्या होता है, आप भूल गए, 150 शब्द में प्रश्न आया कि सामाजिक अंकेक्षण से क्या समझते हैं, तो आपको 4 लाइन सामाजिक अंकेक्षण लिखना है। तो जो हमने विशेषता लिखवाया है उसमें से 1-2 याद आ जाएगा और कुछ भूमिका याद आ जाएगा, तो उसी को मिलाकर लिख दीजिएगा। ये मैं हर जगह विशेषता लिखवाया हूँ, ध्यान दिए होंगे, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी पढ़ाता हूँ, चाहे मान लीजिए कुछ भी पढ़ाता हूँ, मैं 4 विशेषता लिखवा दूंगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि भूमिका या अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है तो याद नहीं होता है, तो 4 लाइन भूमिका हो गया। और जो विशेषता हमने लिखवाया तो विशेषता भी तो इसके अर्थ का ही एक प्रकार हुआ, स्वरूप हुआ, उसमें मिलाकर लिख दिया करिए। अब चलिए महत्व। महत्व का मतलब होता है उसका क्या लाभ है, बेसिक बात समझिए, उसकी क्या सार्थकता है, क्या प्रासंगिकता है। तो जो आप सोशल राइटिंग में पढ़े हैं अब उसको लाकर देखिए कि उसका क्या लाभ होगा, ये बताइए। स्थानीय स्तर पर लोग जांच करेंगे तो स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा ना, स्थानीय स्तर पर लोग बैठ के रजिस्टर देखेंगे तो अपने अधिकारों को भी तो जानेंगे, स्थानीय स्तर पर लोग जांच परख करेंगे तो अभी मैं बताया कि सरकारी कार्यों में जनता की सहभागिता बढ़ेगी तो ये हमारे विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देगा ना। तो सोशल ऑडिटिंग विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने का साधन हुआ, लोकतंत्र को मजबूत करने का साधन हुआ, जनता को अपने अधिकारों से परिचित कराने का साधन हुआ, ये हुआ महत्व नंबर 1। इस व्यवस्था के कारण स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होता है, स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होता है, आम जनता अधिकारों से परिचित होती है, या अधिकारों का उपभोग करती है, जो भी लिखिए सब सही। सरकारी कार्यों में जन सहभागिता बढ़ने से विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है, जब एक बार टेस्ट में ये सब लिख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमको कौन सा बात याद रहता है और कौन सा बात भूल जाता है। तो जो बात भूल जाता है सिनाप्सिस में वो वाला बात लिख के रखना है भाई। जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति का क्षमता अलग अलग है, ठीक, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहानी बना लेते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कहानी भी नहीं बना पाते हैं, तो उनको सिनाप्सिस में थोड़ी सी कहानी वाला पोर्शन भी लिख के रखना है क्योंकि वो कहानी नहीं बना पाएंगे। और कुछ लोग मान लीजिए सहभागिता लिख दिए तो उस पर 4 लाइन लिख डालेंगे, और कुछ लोग सहभागिता केवल लिख लेंगे तो उनको जोड़ नहीं पाएंगे। तो आप अपने हिसाब से ही सिनाप्सिस बनाइएगा। दूसरा बात देखिए, ये बताइए कि सामाजिक अंकेक्षण होता है तो ग्रामीण स्तर पर जो भी समुदाय के लोग हैं उनको प्रशिक्षण भी तो मिलता है भैया। हमें कहते हैं कि ग्रामीण स्तर पर मान लीजिए लोग देखेंगे सुनेंगे तो उनको प्रशिक्षण भी तो मिल रहा है, और फिर साझा उत्तरदायित्व को बढ़ावा मिलता है। ये बताइए जो हम लोग गुड गवर्नेंस कहते हैं यही तो सुशासन है, तो सामाजिक अंकेक्षण सुशासन की शर्त भी तो हुआ, सामाजिक अंकेक्षण से सुशासन भी तो बढ़ता है। नंबर 2, सामाजिक अंकेक्षण ग्रामीण स्तर पर समुदाय को प्रशिक्षित करने में सहायक है, साझा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है और सुशासन की स्थापना करता है, और सुशासन की स्थापना होती है या सुशासन को बढ़ावा मिलता है। तीसरा बात समझिए, ये बताइए सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम चलता है और सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम में ही तो सोशल राइटिंग का प्रयोग हो रहा है, तो सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम में जब सोशल राइटिंग का प्रयोग करेंगे, ये बताइए जो लाभार्थी है वही जांच कर रहा है,
तो जो लाभार्थी है वही निरीक्षण परीक्षण कर रहा है, ये बताइए भ्रष्टाचार में कमी आएगा कि नहीं? कमी आएगा। मान लीजिए आपसे ही कहा जाए कि भाई आपको ही योजना का लाभ मिलना है और आप ही से कहा जाए कि जांच करिए, तो आप सचेत होकर जांच करेंगे ना, तो इससे भ्रष्टाचार में कमी भी आएगा। और भाई हम लोग सरकारी महकमा में जो जांच परख होता है उसमें कोई ध्यान उन्नतरा नहीं देता है, बात समझिए, कहने की चीज है। मेन अधिकारी देखता है, बाकी उसके पास इतना टाइम नहीं है कि छोटा मोटा बात देखे। और यदि मान लीजिए जो व्यक्ति लाभार्थी है उसी को कह देंगे तो छोटा छोटा चीज पर भी वो ध्यान रखना शुरू कर देगा कि साहब जो है हम मनरेगा में एक दिन काम किए थे दोपहर तक, दोपहर में हमारी छुट्टी हो गई थी तो हमको दोपहर तक का तो पैसा चाहिए। वो कहेगा ना अपना बात कि हमारा दोपहर तक रजिस्टर में नाम है, अब देखिए हम सिग्नेचर भी कराया गया था, हमारा जो आजकल सेटेलाइट से चलता है, आजकल जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि मैं मनरेगा में फला दिन उपस्थित था तो सब वेबसाइट पर रहता है, तुरंत डेट डालेगा टाइम डालेगा तुरंत आपका फोटो आ जाएगा, ये रहा उपस्थिति, ये है तरीका सरकार का। अब वो सब गया जमाना, उस सेटेलाइट से आजकल फोटो लिया जाता है कि वहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं, तो दिखाएगा ना कि फला दिन साहब हमारा थे लेकिन हमारा नहीं मिला पैसा, रुक जाओ बताता हूँ तुम्हारा। तुम्हारा जो जांच करके बोलेगा तो सब लोग बोलेंगे हाँ भाई ये उपस्थित थे, इनका पैसा इसमें लिखिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे भ्रष्टाचार में भी कमी आएगा। देख लीजिए सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम में, सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम में स्वयं लाभार्थी द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है, और लोगों का सशक्तिकरण भी होता है। देखिए भाई यदि सोशल आइटिंग को बढ़ावा देंगे तो कार्यपालिका का बोझ कम होगा, जो काम अधिकारी को करना चाहिए था, इंस्पेक्टर को करना चाहिए था, वो तो जनता ही कर दी, तो ऐसे दिशा में कार्यपालिका का बोझ कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय स्तर पर जो प्रबंधन कर रहे हैं उन पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि वहीं गाँव के लोग वहीं जाँच कर देंगे, तो स्थानीय जो प्रबंधन करता है उन पर दबाव बढ़ जाएगा। तो बताइए यदि प्रबंधन पर दबाव बढ़ेगा तभी तो प्रबंधन में संगठनात्मक सुधार की संभावना बढ़ती है। जब तक दबाव नहीं बनेगा, ये बताइए आप किसी कोचिंग पढ़ते हैं और सिलेबस लेकर बैठेंगे, आप क्वेश्चन लेकर बैठेंगे, अब बोलेंगे कि सर ये वाला सिलेबस नहीं हुआ, ये वाला सिलेबस हमारा नहीं हुआ है, और देखिए इससे संबंधित जो हर साल क्वेश्चन आ रहा है, दो तीन साल पर क्वेश्चन आ रहा है, ये भी पढ़ा दीजिए, तो टीचर के ऊपर दबाव बनेगा कि नहीं? और जब कभी जीवन में सिलेबस ही नहीं देखे तो क्या दबाव बनेगा? चुपचाप जाके पढ़ लिया, हो गया खत्म, जो टीचर पढ़ा दिया वही मान लिया वही सिलेबस था। अरे अपना तो फर्ज था कि कम से कम एक क्वेश्चन बैंक खरीद लिए होते, अपना तो फर्ज था कि सिलेबस इंटरनेट से निकाल के चिपका लिए होते कॉपी में और रोज देखते रहते, तब ना टीचर पर दबाव बनेगा। तो ये मान लीजिए इसी तरह से जो लोग वहां पर करेंगे तब ना कार्यपालिका पर दबाव बनेगा, तब ना जो स्थानीय प्रबंधन के लोग हैं वो स्थानीय प्रबंधन के जो लोग हैं उन पर दबाव बनेगा, तो धीरे धीरे वो लोग अपने में सुधार करेंगे। नंबर तीन, सामाजिक अंकेक्षण कार्यपालिका के बोझ को कम करता है, चार लिखिए कोई बात नहीं, सामाजिक अंकेक्षण कार्यपालिका के बोझ को कम करता है, स्थानीय प्रबंधकों पर दबाव बनाता है, सामाजिक अंकेक्षण कार्यपालिका के बोझ को कम करता है, स्थानीय प्रबंधकों पर दबाव बनाता है, जिससे संगठनात्मक सुधार का मार्ग प्रशस्त होता है, भाई हमें कहते हैं कि आपको चार चीज ध्यान रखना है, भाई लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो हमारी सुदृढ़ हो रही है, भाई सामाजिक अंकेक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ कर रहा है, सामाजिक अंकेक्षण भ्रष्टाचार में कमी ला रहा है, सुशासन को बढ़ावा दे रहा है, और मैं बताया कि सामाजिक अंकेक्षण कहीं ना कहीं कार्यपालिका के बोझ को कम कर रहा है, अभी बताया कि कहीं ना कहीं संगठनात्मक सुधार को बढ़ावा दे रहा है। इसी चार पांच पॉइंट को छोटा छोटा करके लिख लेंगे, जो अभी सिनॉप्सिस बना रहा था, जब सिनॉप्सिस बनाएंगे
तो यहाँ जो पॉजिटिव लिखे हैं इसी पर छोटा छोटा ऐसे ऐसे शब्द लिख देंगे कि लोगों में जागरूकता बढ़ती है, सशक्तिकरण होता है, बस इतना ही लिख लेना है। और समस्या चलिए दो चार देखिए। पहली समस्या समझिए, जैसे आप देखते हैं कि भाई सोशल ऑडिटिंग जब लोग जागरूक होंगे तभी इसका लाभ मिल सकता है, लोगों की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। इसीलिए भारत में मनरेगा में भले ही सोशल ऑडिटिंग लागू हुआ है लेकिन सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया जो है वो अभी भी सक्रिय नहीं हो पाई है, क्योंकि लोग जागरूक ही नहीं है। लोग जागरूक होना चाहिए, तो वहीं रजिस्टर रखा रहता है मनरेगा का, गांव में कोई जाकर देख रहा है, उनको पता भी नहीं है कि हमारा अधिकार है कि हम जब चाहे तब रजिस्टर देख सकते। मान लीजिए रजिस्टर नहीं दिया तो आके शिकायत करते ना, साहब रजिस्टर नहीं दे रहा है, तब तो अधिकारी बोलता रजिस्टर उसी ऑफिस पर रख देना, एक कैमरा लगवाता हूँ। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि आजकल तो सब व्यवस्था है, लेकिन लोग जागरूक ही नहीं है भारत में। नंबर एक, लोगों में जागरूकता का अभाव है, लोगों में जागरूकता तथा इच्छा शक्ति की कमी है, लोगों में जागरूकता तथा इच्छा शक्ति की कमी है, जागरूकता तथा इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके कारण यह प्रक्रिया सक्रिय नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यह प्रक्रिया सक्रिय नहीं हो पा रही है। अब जा देखिए व्यवहारिक समस्याएं बताता हूँ। गांव में जैसे मान लीजिए 2022-23 का कागज है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 2022-23 का एक कागज है, तो 2022-23 का कागज जो है, मान लीजिए हमारे यहाँ 1 अप्रैल से लेकर जो है 31 मार्च का सेशन होता है, तो बताइए कि ये कागज ज्यादा ज्यादा अप्रैल में तैयार हो जाना चाहिए था 2022-23 का, लेकिन कब तैयार होता है? ये तैयार होता है जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाकर, तो वहाँ कागज भी समय से तैयार नहीं होता है। तो जब कागज ही तैयार नहीं होगा, रजिस्टर ही नहीं बनेगा, पंचायत का जो मान लीजिए कागज होता है उसको बस्ता बोलते हैं ना यूपी में, उसको बस्ता बोला जाता है, तो जो लोग यूपी के होंगे समझ गए होंगे, तो बस्ता बोला जाता है। ये बताइए 2022-23 का बस्ता जो है तैयार होने में जो है दिसंबर जनवरी लग जाता है, 6 महीने 8 महीने बाद बस्ता तैयार होता है, तो क्या जांच होगा? तब तक तो दूसरा जांच का आ गया, एक जांच का तो छोड़ दीजिए, तब तक तो दूसरा साल चढ़ने को हो गया। अब कोई मांगता भी है कागज तो मिलने वाला तो है नहीं, क्योंकि बना ही नहीं कुछ, न ट्रायल बैलेंस बना, न बैलेंस शीट बना, न कैश बुक बना, न लेजर बुक बना, इतना लोगों को बनाने का ही नहीं है। नंबर दो, सामाजिक अंकेक्षण का आधारभूत संरचना भी कमजोर है, सामाजिक अंकेक्षण का आधारभूत संरचना कमजोर है, आधारभूत संरचना कमजोर है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर दस्तावेज समय से तैयार नहीं होते, ग्रामीण स्तर पर दस्तावेज समय से तैयार नहीं होते, ग्रामीण स्तर पर दस्तावेज समय से तैयार नहीं होते, और ग्राम सभा की बैठक भी सामान्यतः नहीं होती, ग्राम सभा की बैठक भी नहीं होती। अब जा देखिए और व्यवहारिक समस्या, जो निष्पादन जो मानक होता है, निष्पादन मानक का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम होता है तो उसका एक मापदंड होता है, उसका एक सूचकांक होता है, तो हमारे यहाँ हर कार्यक्रम का मापदंड अलग अलग है, हर कार्यक्रम का जो है वो देखा जाए तो कार्यप्रणाली भी अलग अलग है। तो बताइए प्रत्येक परियोजना के लिए मापदंड जब अलग अलग आप रखेंगे, जैसे अभी मैं बताया कि मनरेगा में जो मान लीजिए लेबर का जो पैसा है वो अलग दिया जाता है, जो अन्य कार्य मान लीजिए सड़क बनता है, सामान्य रूप से जो ग्राम पंचायत जो सड़क बनाती है उसका पैसा अलग है, वो न्यूनतम मजदूरी अलग है, जब सबका मानक अलग अलग होगा तो असमंजस की स्थिति रहती है, इसके कारण भी जांच करने में समस्या आती है। क्योंकि ये बताइए एक यदि एक ही मजदूरी हो न्यूनतम वाला, मनरेगा का अलग है ना हिसाब किताब, असामान्य रूप से सड़क बनता है उसका हिसाब किताब अलग है, तो जब सबका हिसाब किताब अलग होगा तो गांव में इतना व्यक्ति जानकार है जो समझ पाएगा कि किसका क्या क्या मानक है, और इस तरह से वो समझ पाता नहीं है। नंबर तीन, निष्पादन मानक उसको निष्पादन मानक बोलते हैं, निष्पादन मानक तथा कार्यप्रणाली, निष्पादन मानक तथा कार्यप्रणाली स्पष्ट नहीं होती और प्रत्येक परियोजनाओं के लिए स्पष्ट नहीं होती और प्रत्येक परियोजनाओं के लिए मापदंड अलग अलग होता है,
अलग अलग हो सकता है, प्रत्येक परियोजनाओं के लिए मापदंड अलग अलग हो सकता है, जिसके कारण असमंजस की स्थिति बनी रहती है, अब यह देखिए, ये बताइए कि हमारे यहाँ ग्रामीण स्तर पर जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, हर जगह सोशल राइटिंग लागू नहीं है, मनरेगा में लागू और किसी कार्यक्रम में लागू भी नहीं है। ये भी एक समस्या है कि सभी परियोजनाओं में कानूनी रूप से सामाजिक अंकेक्षण लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण सिद्धांत तो व्यवहार में अंतर आता है। या तो ग्रामीण स्तर पर जितने भी सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम चल रहे सब पे लागू कर दीजिए, आपने तो लागू किया ही नहीं, केवल आपने मनरेगा में लागू किया, सर्व शिक्षा अभियान में तो लागू नहीं है, सर्व शिक्षा अभियान का कागज मिड डे मील का कागज आप नहीं देख सकते हैं, अन्य कोई अधिकारी दिखाने के लिए जो है वो देखा जाए तो बाध्य है। तो आप स्थानीय स्तर पर यदि वास्तव में आपकी मंशा है कि आम जनता जांच कर सके, तो फिर सभी कार्यक्रमों में इसको लागू किया जाए ना। क्या मिड डे मील में घोटाला नहीं है? हम कहते मान लीजिए देखते तो मिड डे मील में जो पैसा आता है, खाना बनेगा 50 लोगों का, दिखाया जाएगा 100 लोगों का, उतना तो अधिकारी समझता ही है। तभी तो अधिकारी मान लीजिए भाई, तभी तो भ्रष्टाचार है, इतना अधिकारी समझ नहीं जाता है। 150 लोगों का खाना दिखाए हैं, 50 लोगों को भी खाना नहीं खिलाए हैं, अधिकारी बोल देता पहुंचा देना शाम को, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मान लीजिए अधिकारी देखिए एक लाइन बोल देता है शाम को मिलने का मतलब क्या हुआ? तो मान लीजिए हमें कहते हैं भ्रष्टाचार इसीलिए तो है क्योंकि सब योजनाओं में जो है सब लागू नहीं, लिख दीजिए कि ग्रामीण स्तर पर सभी योजनाओं में कानूनी स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण को लागू नहीं किया गया है, जैसे पीडीएस और जो एनआरएचएम, नेशनल रूरल जो हेल्थ मिशन, पीडीएस, मिड डे मील, कुछ भी एग्जाम्पल होना चाहिए, सिर्फ बात बनाने से नंबर देगा नहीं। मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, एक लिख दीजिए कोई सा जो आप लिख सकते हो, मैं तो चार बोलूंगा ही, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान आदि में लागू नहीं है, उसको आरटीई बोलते हैं ना, आरटीई राइट टू एजुकेशन, आरटीई में लागू नहीं, उसी को सर्व शिक्षा अभियान व्यवहार में बोला जाता है, उसको आरटीई लिखना चाहिए। ठीक है, तीन चार हो गया ना, बस करिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो सामाजिक लेखा परीक्षा है उसकी जो रिपोर्ट है, उसका जो निष्कर्ष, उसकी कार्रवाई, उस पर जो भी रिपोर्ट आपने तैयार किया, जो भी आपने मान लीजिए जांच किया, उस पर कोई भी जो है कार्रवाई की व्यवस्था है ही नहीं, प्रशासनिक स्तर पर कोई भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है ही नहीं। अब लिख कर ले जाएंगे कि साहब हमने जांच किया था, फला फला मनरेगा में भ्रष्टाचार है, लाइए रख देगा, जाइए हम मर्जी तैयार करके ले गए, इतना मेहनत करके ले गए साहब, हम सब जो है जांच उच करके लाए हैं, अब कैसे क्या होगा, तो लाइए देखें, जाइए रख देगा, कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं, तो क्या फायदा हुआ? सिद्धांत तो व्यवहार में अंतर आ गया ना। या तो फिर मान लीजिए उस पर कोई कार्रवाई होती, कोई कमेटी बनता, या तो फिर मान लीजिए उस पर चर्चा होता, कुछ नहीं, अधिकारी को दे दिया, अधिकारी रख लिया, हो गया खत्म। चूंकि हम लोग काम किए तो थोड़ा बहुत व्यवहारिक ज्ञान भी हो गया कि कैसे होता है मामला सब। अब उसको मान लीजिए वो अधिकारी या तो फिर स्वप्रेरणा के आधार पर पढ़े, इतना फुर्सत में तो है नहीं वो। ठीक है, तीन चार हो गया समस्या, बस करिए, अब थोड़ा सा आगे चला जाए।